संदीप जो आपको दिखेगा सबसे पहले, कुल्हा बोलते हैं इसको, कुल्हा संधि पर मिलेगा या कह लो पेल्विक गर्डल पर मिलेगा, ठीक है। हिप जॉइंट ऊपर को आपको क्या दिखेगी, हिप बोन यानी पेल्विक गर्डल, और नीचे को आपको क्या मिलेगी, फीमर, ठीक है। थाई किस पर मिलेगी, थाई जो मिलेगी वो मिलेगी फीमर पर। देखते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पर आपको हिप जॉइंट मिलेगा, हिप जॉइंट के ऊपर कौन सी बोन है, तो हिप जॉइंट ये जो देखने को मिल रहा है, हिप जॉइंट के ऊपर कौन है, पेल्विस है यानी हिप बोन है, और पेल्विस, और नीचे कौन सी बोन है, फीमर है, तो दोनों के बीच कौन हो गया, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट किन किन के बीच हो गया, पेल्विस और फीमर के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, हिप जॉइंट। फिर आपको यहाँ जो थाई दिख रही है, थाई रीजन किस पर है, अकेला किस पर है, फीमर पर, ठीक है। स्टीफल जॉइंट यानी जंगा संधि, स्टीफल जॉइंट किन किन के बीच है, तो फीमर पटेला और नीचे कौन आ जाएगा, टीबिया, देखो आगे देखने को मिलेगा हमें स्टीफल जॉइंट, ऊपर कौन कौन थे, फीमर टीबियो फेबुला, और नीचे कौन आ जाती है, नीचे ऊपर थे फीमर और नीचे आ जाती है टीबियो फेबुला एंड पटेला। लेग लेग आपको अकेला किस पर मिलेगा, टीबियो फेबुला पर। फिर देखते हैं होक जॉइंट, तो होक जॉइंट आपको मिलेगा, ऊपर आपको इसमें देखने को मिलेगी टीबियो फेबुला, नीचे है टार्सस और मेटाटार्सस, होक जॉइंट में। केनन जो पिंडली है पिछले पैर की, उसको केनन बोल देते बेटा, ये किस पर है, मेटाटार्सस पर। फिर वापस सेम चीज़ आ जाती है कि जो फेटलॉक जॉइंट है वो किन किन के बीच है, तो मेटाटार्सस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में, है ना। डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ आपको जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, मेटाटार्सस और टार्सस के बीच, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर फेटलॉक जॉइंट, पाश्चन जॉइंट और पेडल जॉइंट यानी वही कोरोनोड जॉइंट, है ना। तो देखो मेटाटार्सस और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच आपको कौन सा जॉइंट मिलेगा, फेटलॉक जॉइंट। फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स के बीच क्या मिलेगा, पाश्चन जॉइंट। सेकंड और थर्ड के बीच कौन सा मिलेगा, कोरोनोड या पेडल जॉइंट, ठीक है। और जो मेटाटार्सस पर देखने को मिल रहा है वो क्या है, केनन, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंडली बोलते हैं, ठीक है। और जो लेग है वो किस पर देखने को मिलेगा आपको, टीबियो फेबुला पर। इस तरह से हमें अगला और पिछला पैर दोनों अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम पेल्विस की और बात कर लेते हैं बेटा, तीन बोन पिछले पैर की बोन की बात कर रहा हूँ, थ्री बोन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को बनाने के लिए तीन हड्डियाँ एक साथ मिल जाती, इट इज थ्रू द रिंग ऑफ बोन्स दैट द यंग वन मस्ट पास एट द बर्थ। ये ऐसा हड्डियों का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है वाई नुमा, ठीक है, वाई आकार का होता है, जिसके बीच में से जो है क्या निकल कर का आता है, बछड़ा निकल के आता है। पहले ऐसा माना जाता था, एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, भ्रांति है, कि बोन्स स्लेकेन फॉर काविंग, यानी हड्डियां जो है लचीली हो जाती है काविंग के लिए, यानी बछड़ा जब देती है गाय तो हड्डी अपने आप दूर हो जाती है, यानी फाटक के खुलने की तरह दूर दूर हो जाती है और उसके बीच में से बछड़ा निकल आ जाता है। पर ऐसा नहीं है, वो स्लेकनिंग ऑफ बोन्स नहीं है, स्लेकनिंग ऑफ लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, वो हड्डियों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं ना, रबड़ की तरह होते हैं ये, इलास्टिक की तरह, जो पीछे की तरफ खींच लेंगे तो दोनों हड्डियों के बीच में जो है, तीनों हड्डियों की जो वाई है उसके बीच में जगह ज़्यादा बन जाएगी, जहाँ से बच्चा पास होकर आ जाएगा। फिर आ जाता है फीमर, सबको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी, पूरे शरीर की सबसे बड़ी बोन कहाँ है, फीमर है, और कहाँ मिलेगी आपको, पैर में मिलेगी, पिछले पैर में, हेविली मसल्ड, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मांस मिलेगा, रनिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जो नीचे की ओर आती है और आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, यूं टेढ़े में ऐसे आती है, तो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। पटेला इक्वलेंट ऑफ नी कैप इन मैन, मानव में जिस तरह से घुटना होता है, घुटने की जो कटोरी होती है उसकी तरह पटेला बोन है एनिमल्स में। फाइब्रल टार्सल बोन, दिस प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, ऊपर को जाती है और पीछे की ओर जाती है, टू फॉर्म लीवर फॉर अटैचमेंट ऑफ एचिलेस टेंडन, इसको हम याद ना भी रखें तो चलेगा। मेटाटार्सस एज मेटाकार्पस इन द फोर लिम, देखो जहाँ पिछले पैर की बात करें तो पिछले पैर में मेटाटार्सस बोल देगा और अगले पैर में मेटाकार्पस बोल देगा। थोड़ी सी खुर की बात कर लेते हैं, मेटाकार्पस एंड मेटाटार्सस ऑल फोर फीट हैव सेम स्ट्रक्चर, देखो मेटाकार्पस अगले पैर की और मेटाटार्सस हाइंड लिंब की, है ना, पिछले पैर की, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। इन काउ एंड बफेलो टू ईच पार्ट इज नॉन एज डिजिट, ईच डिजिट इज कम्पोज ऑफ थ्री बोन्स नॉन एज फेलेंजेस। देखो जो मेटाटार्सस या मेटाकार्पस ये तीन भागों में बटी रहती है, तीनों भाग को एक साथ बोल देते हैं फेलेंजेस, और एक एक की बात करें तो फेलिंग्स, मैंने आपको बताया है फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स, जो थर्ड फेलिंग्स है वही खुर बनाता है, विच हैव द सेम शेप एज आउटर हुफ, जो खुर है बस वो काला ऊपर, जो खुर आपको दिख रहा है गाय का काला, उसको अगर आप ऊपर का वो काला काला हटाओगे तो नीचे आपको हड्डी मिलेगी, और वो जो हड्डी है वो कौन सी हड्डी है, थर्ड फेलिंग्स है ना, जो कि पेडल बोन की है ना, विच इज रेफर टू एज पेडल बोन, जिससे पेडल बोन भी कहा जाता है। ये देखो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मेटाकार्पस है और फर्स्ट फेलिंग्स है, फर्स्ट फेलिंग्स की दोनों के बीच जो है, मेटाकार्पस के ही भाग है फर्स्ट फेलिंग्स,
दोनों के बीच में फेट लॉक जॉइंट है। फर्स्ट और सेकंड जॉइंट के बीच, फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स यहाँ है ना, दोनों के बीच आपको जो जॉइंट मिल रहा है वो कौन है, पाश्चन जॉइंट। सेकंड और थर्ड जॉइंट जो फेलिंग्स है उसके बीच जो है वो कौन सा जॉइंट है, पेडल जॉइंट है, जिसे कोरोनोड जॉइंट भी कहा जाता है। देखो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड फेलिंग्स के बाद जो है सेकंड और थर्ड के बीच है ना, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स के बीच जो आपको पेडल जॉइंट जो मिल रहा है उसी को क्या कहते हैं, कोरोनोड। ये आउटर वॉल दिख रही है काली काली, मैंने आपको बताया खुर की, और उस खुर के अंदर भी थोड़ा खून रहेगा एंड अगर आप उसको खुरोगे तो, और उसके बाद आपको हड्डी मिलेगी, जो कौन सी हड्डी होगी, पेडल बोन यानी थर्ड फेलिंग्स, ठीक है। पेडल बोन यानी थर्ड फेलिंग्स, जो कि ये जो है इस तरह से खुर को अंदर से शेप दे रही है, ठीक है। इसके पीछे एक अटैचमेंट रहता है गाय के खुर में, नेविकुलर बोन है ना, ताकि वो ठीक से जुड़ा रहे। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सेकंड फेलिंग्स दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा जो है पैरों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते पर फिर भी हमें याद रखना है। शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, ये बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जो कि डिफरेंट जॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट जॉइंट ऑफ एनिमल बॉडी। इसमें हम जो है सबसे पहले कौन सा जॉइंट देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट देख रहे हैं। तो सबको पता है अगर हमारा हाथ है तो हम हाथ को पूरी तरह राउंड घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट है वो कैसा है, बॉल और सॉकेट का है, जैसे एक सॉकेट में गेंद अंदर घूम रही है, ठीक है। किन किन हड्डियों के बीच मिलेगा आपको, स्केपुला और यूमरस के बाद बीच में। एल्बो जॉइंट, ये सॉकेट टाइप का जॉइंट है। सॉकेट क्या होता है बेटा, एक तरफ घूम सकता है, अगर हम हमारा हाथ को अगर अंदर की ओर लेंगे तो हो जाएगा, बाहर की ओर हम उल्टा उसे नहीं मोड़ सकते, ठीक है। स्टार्टिंग ये सेम ही एनिमल्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर एंड ऑफ यूमेरस से ये चालू होगा ये जॉइंट, और कहाँ बनेगा, अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना के बीच में। हिप जॉइंट है, पिछले पैर में ये हिप जॉइंट है। द जॉइंट बिटवीन द फीमर टू द एसेटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, फीमर और पेल्विक गर्डल यानी जो हिप बोन है उन दोनों के बीच जो जॉइंट है वो हिप जॉइंट। ये भी बॉल और सॉकेट टाइप का है, ये भी घूम जाता है ना। स्टीफल जॉइंट यानी जो जंघा संधि है, दिस जॉइंट इज मेड बाय फीमर, टीबिया एंड पटेला, ठीक है। हाइंड लिम में ये जंघा संधि आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमने पहले ही पढ़ ली है, फीमर टीबिया और पटेला से मिलके बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट क्या है, दिस जॉइंट इज कंबाइनली मेड बाय टीबिया टार्सस एंड मेटाटार्सस, कौन बना के रखता है इसको, टीबिया टार्सस और मेटाटार्सस। टार्सस ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन ग्लाइड्स ऑन अदर, एक बोन जो है उस दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है, घिसाती है, घूमती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेडियो अल्ना। दिस ग्लाइंडिंग जॉइंट इज ड्यू टू साइनोवियल फ्लूड, उसके बीच में जो है क्या भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूड भरा रहता है। तुमने सुना होगा बूढ़े लोगों में क्या घुटने में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनका जो साइनोवियल फ्लूड है उसकी कमी हो जाती है, तो घुटना चर चर करने लगता है। 14 पेयर ऑफ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्केलेटन सिस्टम के, यानी हम स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 14 पेयर ऑफ रिब्स आर फाउंड इन याक, याक में बेटा 14 जोड़ी पसलियाँ होती, जबकि गाय में 13 जोड़ी है, हमने पढ़ी है ना 26। नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ कैमल, कैमल के वर्टेब्रल कॉलम में केवल 7 है, ठीक है, 7 ही बोन है, यहाँ पर 51 है, गाय में कितनी है, 51 है। द बोन्स इन द हॉर्स, अगर घोड़े में बात करें तो हड्डियों कितनी है, 205 है, और एक पेयर में कितनी है, कितनी है, 80, मतलब सारे पैरों में मिलाकर 80 है ना, तो 20 चुका 80, एक पैर में 20 है, जबकि गाय में कितनी, एक पैर में 18 हड्डी, 18 चुके 72, चार पैरों में मिलाकर 72 हड्डियाँ। द नंबर ऑफ बोन्स इन पोल्ट्री, मुर्गी में अगर हड्डियों की बात करें तो केवल 52 हड्डियाँ, जबकि ह्यूमन बीन में 206 है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू बोन्स आर जॉइंट बाई लिगामेंट वाइल द जॉइंट, देखो दो हड्डियों को जो जोड़ते हैं वो कौन जोड़ते हैं, लिगामेंट जोड़ते हैं, और जॉइंट और रिब को जो जोड़ते हैं वो कौन जोड़ते हैं, टेंडन जोड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो कि हमें याद रखना है कि बोन्स कैसे जुड़ी रहेगी, लिगामेंट से, और बोन और रिब्स के बीच में जो जॉइंट है वो कैसे जुड़े रहेंगे, टेंडन से। रिब्स और काओ आर अटैच्ड टू हिप जॉइंट, पीछे की ओर जो है आपको हिप जॉइंट से रिब मिलेगी, है ना। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, हिप जॉइंट आपको देखने को मिलेगा पीछे। रूडिमेंट्री टीट्स आर प्रेजेंट इन बुल एंड ऑक्स, बुल और ऑक्स में रूडिमेंट्री टीट्स रहेंगे, यानी अनडेवलप्ड मेमरी ग्लैंड, जो मेल है उसमें मेमरी ग्लैंड पूरी तरह डेवलप नहीं होती, क्योंकि मादा में जो है मेमरी ग्लैंड यानी जो है स्तन ग्रंथियां देखने को मिलेगी, क्योंकि उसे बच्चों को दूध पिलाना है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये फ्लूड हमारे ब्रेन में रहता है। बोन्स ऑफ यंग एनिमल्स, मैंने पहले भी बताया आपको, आर मेड अप ऑफ 60% ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लचीले टिश्यू की बनी रहती है, जबकि ओल्ड एनिमल की काय की बनी रहती है, कठोर भंगुर हो जाती है और लाइम सॉल्ट की बनी रहती है।
ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बट इनर साइड देयर इज ए केविटी नेम मेड्यूलरी केविटी कंटेनिंग बोन मेरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हड्डियाँ बाहर से बेटा कठोर रहती है पर अंदर से जो है खोखली रहती है, और उस खोखलेपन में जो जो बीच में जो जगह है हड्डियों के बीच, उस खोखले को क्या कहा जाता है, मेडुलर केविटी कहा जाता है, जिसमें क्या भरा रहता है, बोन मेरो। क्रिश 3 पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो ये वर्ड आपको पता होगा, बोन मेरो। द पोजिशन बिटवीन फेटलॉक ज्वाइंट, ये मैंने डबल बता दिया कि फेटलॉक और कोरोनोड ज्वाइंट के बीच में जो ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है, पैस्चर्न ज्वाइंट है, गुमची संधि है, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। स्टेपुला यानी स्मॉलेस्ट बोन इन द ईयर, स्टेपुला एक बोन है जो कि सबसे कहाँ मिलेगी, सबसे छोटी बोन ईयर में मिलेगी। सबसे बड़ी बोन जो थी वो कौन थी, फीमर, कहाँ मिली थी, पिछले पैर में, है ना। तो ये हमारा आज जो है स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि क्या डाउट आ रहा है, और कोई परेशानी भी अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।